दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि धरती के 70% हिस्से पर पानी है। इसी 70% पानी में समुद्र, बर्फीली चट्टानें, नदियाँ आती है। शायद आपको यह भी पता होगा कि दुनिया में 5 महासागर हैं जिनकी की कोई सीमा नहीं है। इनका अंतिम और शुरुआती छोर कहाँ है पता लगाना मुश्किल है, और आए दिन शोधकर्ता और वैज्ञानिक इन महासागरों से जुड़ी नई नई खोज करते रहते हैं। लेकिन शायद आपको यह नहीं पता होगा कि अभी तक महासागरों को केवल 20% भागों का ही अच्छे से रिसर्च हो पाया है। इससे आपको ये तो पता चल गया हो कि इन महासागरों की गहराइयों में ना जाने कितने राज अभी भी छुपे हुए हैं। खैर, आज हम आपको महासागरों से जुड़े रहस्यों की उनकी कई जानकारियां देने जा रहे हैं, बल्कि हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगी। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि जब दो नदियाँ आपस में मिलती है तो वो एक तीसरी नदी का निर्माण करती है। ऐसे ही आपने ये भी सुना होगा कि धरती पर मौजूद 5 महासागर 7 महाद्वीप को आपस में जोड़ते हैं। आपने यह भी सुना होगा कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर भी अलास्का की खाड़ी में मिलते हैं। मगर आपको यह नहीं पता होगा कि भले ही ये दोनों महासागर आपस में मिलते जरूर हैं, लेकिन इनका पानी एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाता है। जी हाँ, हो गए ना हैरान, पर यह सच है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का पानी अलग अलग रहता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे आपको कि ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे क्या कारण है। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही दोस्तों इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे MTT न्यूज चैनल को, और दोस्तों दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल पाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस जगह और यहाँ के दो रंगों के पानी के इस दृश्य की सबसे पहली फोटो केंट स्मिथ नाम के एक फोटोग्राफर ने जुलाई 2010 में अलास्का में ली थी। अलास्का की खाड़ी में इस जगह पर दोनों समुद्र के पानी में अंतर साफ देखा जा सकता है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस जगह पर दोनों रंगों का पानी आपस में मिक्स नहीं होता है और अलग अलग ही रहता है। दरअसल ग्लेशियर से निकलने वाला पानी का रंग हल्का नीला होता है, जबकि समुद्रों से आने वाला पानी गहरा नीला होता है। इन दोनों महासागरों के पानी पर कई बार रिसर्च भी की जा चुकी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका कारण है खारे और मीठे पानी का घनत्व, तापमान और खारापन का अलग अलग होना। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि ग्लेशियरों के पिघलने से बने सागर का पानी मीठा होता है, वहीं समुद्र का पानी खारा होता है। जहां ये दोनों सागर मिलते हैं वहां झाग की एक दीवार बन जाती है। यही वजह है कि अलग घनत्व के कारण इनका मिश्रण मुश्किल से होता है, और ऐसा लगता है कि ये दोनों महासागर मिलते तो हैं लेकिन मिक्स नहीं हो पाते हैं। वहीं ये भी माना जाता है कि इस फिनोमिना का संबंध पानी के वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन से होता है। इसके अलावा इसका एक कारण ये भी माना जाता है कि जब अलग अलग घनत्व के पानी पर सूरज की किरणें पड़ती है तो भी पानी का रंग बदलता है, और हिंद महासागर और प्रशांत महासागर आपस में मिलते हैं। कई लोग इस रहस्य को धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर देखते हैं, वहीं कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन दोनों महासागरों का पानी कभी नहीं मिलता है। जहां ये दो विशाल समुद्र मिलते हैं उनके जंक्शन में झाग की दीवार सी बन जाती है, एवं ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे दो समुद्र मिलते तो हैं लेकिन मिक्स नहीं होते हैं। और अलास्का की बात करें तो अलास्का पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन साल 1867 में अमेरिका ने रूस से अलास्का को सिर्फ $70 लाख में खरीद लिया था, तभी से यह अमेरिका का हिस्सा बन गया है। दोस्तों, इन दोनों समुद्र का आपस में मिक्स नहीं होना इसके पीछे का कारण है इनके पानी का अलग अलग खारापन और इनके घनत्व की वजह से दोनों समुद्र का पानी आपस में नहीं मिलता है। तो दोस्तों, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बारे में आपको यह फैक्ट्स कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर।